हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको अपना लैपटॉप अपने फोन के अंदर यूज करना है तो आप कैसे अपने लैपटॉप को फोन में यूज कर सकते हैं। अगर आप कहीं दूर हैं, अगर आप अपने लैपटॉप को एक्सेस करना चाहते हैं तो किस तरह से करें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब वाले बटन पर दबाकर और घंटी वाली बटन दबा लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आगे आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमें सबसे पहले जाना होगा गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है गूगल क्रोम, सॉरी रिमोट क्रोम रिमोट डेस्कटॉप। तो हमें इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे रिमोट एक्सेस, और इसको हमें डाउनलोड करना होगा। आप देख रहे होंगे जो है डाउनलोड का ऑप्शन है, तो हमें डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे ऐड टू क्रोम, तो हमें ऐड टू क्रोम पे जो है क्लिक करना होगा और ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना है। आप देख रहे होंगे जो है डाउनलोडिंग शुरू हो गई है, फाइनली एक्सेप्ट एंड इंस्टॉलेशन। तो मुझे इंस्टॉल करना है इसको दोस्तों, इंस्टॉल, इस पे यस पे क्लिक कर देना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। दोस्तों अभी हो रहा है इंस्टॉल। तो आपको जो है यहाँ पर अपना कुछ भी नाम चूज कर लीजिए, चाहे जैसे मैं खान रख रहा हूँ डेस्कटॉप खान। तो यहाँ पर जो है आपको इंटर न्यू पिन, मतलब ये सिक्स डिजिट की जो है पिन होती है दोस्तों, यही पिन जो है आपके मोबाइल फोन में भी डाली जाएगी, तभी जो है आप एक्सेस कर सकेंगे अपने लैपटॉप को। तो इसको जो है ध्यान से पिन को जनरेट कीजिएगा। वापिस से जो है री इंटर पासवर्ड पूछ रहा है, री इंटर न्यू पिन, इस पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जो है अगर आपको सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं। अब मुझे चलना होगा अपने मोबाइल फोन में दोस्तों, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल फोन में। अगर आप एंड्रॉयड या आईओएस यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा क्रोम रिमोट डेस्कटॉप, तो इस पर क्लिक कर देना होगा गेट पे। गेट पे क्लिक करने के बाद जो है डाउनलोड करना होता है दोस्तों। डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्तों, तो माजरा चाहता हूँ आप लोगों से। फाइनली ये डाउनलोड हो गया दोस्तों, इस पर ओपन पे क्लिक कर देना होगा। और जिस ईमेल आईडी से आप लॉगिन हुए हैं उसी से आपको जो है इसमें भी इंटर वही करना है दोस्तों। ये कनेक्टिविटी हो रही है दोस्तों, तो इसमें अपना जो है पिन नंबर डाल देना है जो आपने पीसी में डाला हुआ था। फाइनली आप देख रहे होंगे मेरा जो है डेस्कटॉप मेरे फ़ोन में आ गया है। अब मैं इसको आसानी से जैसे चाहूँ जो है एक्सेस कर सकता हूँ दोस्तों। आई होप कि गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे मोबाइल फ़ोन से अपने पीसी को हम हैंडल करें। आई होप कि गाइज मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे।